हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में लगे ऐसे मनाया जा रहा है हिंदुस्तान के 75वें स्वतंत्रता दिवस। यमायम की तथाकथित पत्रकार नाज गोलंदाज पर हिंदू युवती को जबरन धर्मांतर करवाने की लग सकती है धाराएं। 29 मार्च बुधवार के दिन बिहार पुलिस ने नाज गोलंदाज जो कि अहमद ई मुख्तार चैनल की पत्रकार है उसे गिरफ्तार कर लिया। पूरा मामला कुछ इस प्रकार है कि एक युवती बिहार में आराह जिले के अंतर्गत रहती थी। 12 दिन पहले युवती अपने परिवार वालों को बिना बताए बिहार से निकलकर मुंब्रा पहुंची। मुंब्रा पहुंचने के बाद वो युवती नाज गोलंदाज के घर रहने लगी। लड़की बालिक है या नाबालिग इसका पता नहीं चल पाया है, पर स्थानीय लोगों का कहना है कि युवती नाबालिग है। अब सवाल ये आता है कि युवती इनके पास पहुंची कैसे। तो आपको बता दें कि नाज गोलंदाज के जो पति है अहमद खान इनके बहू के संपर्क में सोशल मीडिया के जरिए इन सब लोगों से मिली और वहीं से वो नाज गोलंदाज के संपर्क में आई। फिर वहां से नाज गोलंदाज और उसके अन्य साथियों ने उस युवती का ब्रेन वॉश किया और उसे मुस्लिम बनाया, मुस्लिम धर्म अपना रही हो ऐसे वीडियो भी बनाया। ये मामला तब उजागर हुआ जब बिहार पुलिस की टीम ठाणे पहुंची और फिर मुंब्रा पुलिस की मदद से 28 मार्च से इस केस की तहकीकात शुरू की। अगले ही दिन इस पूरे मामले को उजागर कर दिया गया। इसके बाद बिहार के आराह जिले के अंतर्गत पुलिस ने 48 घंटे में नाज गोलंदाज को जीप जुडिशियल मेरिटोरियल कोर्ट के सामने खड़ा करने की अनुमति ली और फिर कुर्ला LTT से नाज गोलंदाज को लेकर चले गए। आपको बता दें कि युवती के पिता ने उसकी बेटी की गुम हो जाने की शिकायत बिहार के आराह जिले के अंतर्गत पुलिस स्टेशन में दर्ज कराई थी। आराह जिले में तब से ही माहौल काफी गरमाया हुआ था और हिंदू संगठनों ने पुलिस के नाक में दम कर रखा था। अब पुलिस का ये कहना है कि बिहार जाने के बाद जो अहमद ई मुख्तार चैनल की पत्रकार नाज गोलंदाज है इस पर हिंदू युवती का अपहरण का जो मामला बिहार में दर्ज हुआ है इसमें धाराएं बढ़ने की संभावनाएं हैं।